नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज, मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर विजयनगर पुलिस ने मोबाइल लूट घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जहां हॉस्टल और कॉलेज के पास खड़े लोगों से रैकी कर मोबाइल छीन कर फरार हो जाते थे। पकड़े गए आरोपियों से एक दर्जन मोबाइल बरामद किए गए हैं। दरअसल विजयनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सुनसान इलाके में मोबाइल पर बात करने वाले या फिर हॉस्टल या सड़क पर मोबाइल से बात करते हुए चलने वालों की रेकी करते थे और फिर बाइक से पीछे से मोबाइल आकर छीन कर फरार हो जाते थे। ऐसे गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सभी सदस्य नाबालिग हैं और मोबाइल छीन कर लूट की घटनाओं को अंजाम देने के बाद उन्हें सस्ते दामों पर बेच देते थे। पूछताछ में पुलिस ने 12 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य और भी सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। ये अभी कुछ समय पहले हमने एक गैंग पकड़ी थी जो गांजा बेचती थी और मोबाइल भी लूटती थी। उनमें से कुछ 2 लड़के की जमानत हुई थी। उन लड़कों को देखकर उनकी सिखावट के आधार पर कुछ 3 लड़के पकड़ा हैं अभी जो नाबालिग हैं। उनने बताया कि हम उनको देखकर उनके द्वारा बताए गए तरीके से ये वारदात कर रहे थे, तो इसी के आधार पर हमने उनको 3 को पकड़ा है। इसमें एक घटना हुई थी, मोबाइल छोड़ के जा रहे थे, जैसे ही सूचना मिली हमने दूसरी तरफ पार्टी लगाई थी तो उनको गिरफ्तार किया था। अब जैसे ही उनको गिरफ्तार किया, पूछताछ की, तो 3 नाबालिग अरेस्ट किए और उनको जो मदद करने वाले थे 2 लोग उनको भी पकड़ा है। इस प्रकार कुल करके 6 लोग पकड़ा है और लगभग 1 दर्जन के लगभग मोबाइल जब्त हुए हैं, जिसके संबंध में उनके फरियादियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। 2 फरियादी तो हमको मिल चुके हैं जिनके आधार पर हमने रिपोर्ट दर्ज कर आगे कार्रवाई कर। ये जहाँ पर ऐसे स्थान देखते थे कि जहाँ स्कूल कॉलेज या हॉस्टल्स हैं या जहाँ अकेले कोई काम के लिए बस स्टॉप पे उतर कर आता जाता है, तो उस पे जगह पीछा करते थे। पहले रेकी करते थे, फिर मोबाइल उससे वो बात करता है या ऐसे जाता है तो पीछे से मोटरसाइकिल से जाकर मोबाइल हाथ में से लेकर एकदम भाग जाते और पकड़ नहीं पाते थे। हाँ, इनके संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है अभी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला न्यूज़। नमस्कार।